डॉन 3 पर ही शाहरुख खान क्यों पूरा ध्यान देना चाहते हैं? प्यार के मायने शाहरुख खान से ही क्यों सीखना चाहिए? डॉन 3 को लेकर फिल्म के को प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने क्या कहा? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। शाहरुख खान इन दिनों फिल्म डॉन 3 को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई नया खुलासा सामने आ जाता है। अभी हाल ही में शाहरुख खान ने कहा है कि वो डॉन 3 पर ही सारा ध्यान लगाना चाहते हैं, और एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि डॉन 3 ठंडे बस्ते में जा सकती है, क्योंकि फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर अभी अपने एक्टिंग करियर पर पूरी तरह फोकस करना चाहते हैं। लेकिन अब शाहरुख के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी का एक बयान सामने आया है, जिससे जानने के बाद फैंस काफी खुश हो जाएंगे। फिल्म के को प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने हर एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। रितेश ने कहा है कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं और हमें भी नहीं पता है कि ये कब बनेगी। इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को देखने के लिए हर कोई बेताब है और हम फैंस को निराश नहीं करना चाहते हैं। रितेश के इस बयान से इस फिल्म के फैंस को काफी राहत मिली है। 2006 में शाहरुख को लेकर फरहान अख्तर ने डॉन बनाई थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद 2011 में डॉन 2 बनाई। इस फिल्म के एंड में डॉन 3 की झलक दिखाई गई थी। 9 साल होने को आए लेकिन डॉन 3 के केवल चर्चे ही सुनने को मिल रहे हैं। अब तक कोई भी अनाउंसमेंट इसके मेकर्स ने नहीं की है। सुपरस्टार शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह कहा जाता है। शाहरुख खान ने गौरी से प्यार किया और बाद में इस प्यार को शादी के अंजाम तक भी पहुंचाया। प्यार के मामले में शाहरुख खान बेहद संजीदा इंसान है। शाहरुख खान और गौरी खान के लव अफेयर के किस्से आज भी दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई तक सुनाई देते हैं। शाहरुख खान और गौरी खान में जब लव अफेयर शुरू हुआ तो शाहरुख अक्सर दो गाने गौरी खान को सुनाया करते थे। किंग खान को 18 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था। शाहरुख खान का प्यार दिल्ली में परवान चढ़ा। ये दौर 1984 का था। शाहरुख खान तब दिल्ली के हौज खास में रहा करते थे और उनका प्यार यानी कि गौरी खान पंचशील में रहती थी। सुपरस्टार शाहरुख खान भी आम लड़कों की तरह ही गौरी से प्यार करते थे। शाहरुख खान दिल्ली के गार्डन, रेस्टोरेंट और कॉलेज के बाहर गौरी से मिला करते थे। तमाम बंदिशों और लोकलाज के डर से बचते बचाते दोनों का प्यार दिन, महीने और साल दर साल गहरा होता रहा। शाहरुख खान और गौरी खान के प्यार के किस्से उस समय दिल्ली में भी सुर्खियां बटोर रहे थे। शाहरुख ने अपने लव अफेयर को कभी किसी से छुपाया नहीं। प्यार के मामले में शाहरुख हमेशा से बेबाक रहे, जबकि गौरी इस मामले में उनसे कम थी। शाहरुख खान फिल्म मुगले आजम का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या अक्सर गौरी को सुनाया करते थे। एक गाना और भी है जो शाहरुख खान गौरी को खूब सुनाया करते थे। ये गाना वे तब गाया करते थे जब वे गौरी से मिलने उनके घर आया करते थे। ये गाना था फिल्म चिच्चोर का, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहां रे। और शाहरुख खान गाया करते थे गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहां रे। जिस समय शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा उस समय ये माना जाता था कि इस इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के फिल्मी दुनिया में जगह बनाना आसान नहीं है। दिल्ली से मुंबई अपने सपनों को हकीकत में तब्दील करने पहुंचे शाहरुख खान ने इस धारणा को सिरे से खारिज करते हुए ये बता दिया कि अगर टैलेंट है तो इंसान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शाहरुख ने अपने एक्टिंग की शुरुआत 1988 में छोटे पर्दे से की थी। शाहरुख खान उन चंद लोगों में शुमार है जो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने में कामयाब हुए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉन 3 के बारे में। बात करने वाले हैं कि डॉन 3 कब रिलीज होगी, फिल्म की कहानी कैसी है, डॉन 3 में शाहरुख खान के अपोजिट कौन सी हीरोइन नजर आएगी, क्या सच में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान यानी कि खान्स का युग खत्म होने को है, आखिर क्यों कहा शाहरुख खान ने कि अगर मैं फिल्में छोड़ दूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पब्लिक का क्या रिएक्शन है खान्स युग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले साल के क्रिसमस के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी जीरो, जिससे शाहरुख खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह फिल्म
बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ही कमाई कर पाई। कह सकते हैं कि शाहरुख खान उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। अभी हाल ही में गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च के वक्त फरहान अख्तर ने कहा कि हम जल्द ही डॉन सीरीज की अगली कड़ी लाने वाले हैं, यानी कि डॉन 3 लेकर आने वाले हैं। इससे पहले खबर आई थी कि शाहरुख खान राकेश शर्मा की बायोपिक यानी कि सारे जहां से अच्छा करने वाले थे, लेकिन शाहरुख खान ने डॉन 3 के चलते उस फिल्म को करने से मना कर दिया। जीरो की असफलता के बाद शाहरुख खान और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि डॉन 3 ही किंग खान के लिए सही साबित होगी। दोस्तों, हम सभी इंतजार कर रहे डॉन 3 का, वो भी काफी लंबे समय से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी शाहरुख खान को राकेश शर्मा की बायोपिक में भी देखना चाहते थे। यह फिल्म 2020 में रिलीज होगी। फिल्म का बजट है 150 करोड़, लेकिन फिल्म में लीड हीरोइन में कौन होगी, इस बात का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। दोस्तों, बहुत पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा होंगी, लेकिन सलमान खान की जैसी ही फिल्म उन्होंने भारत छोड़ी, उसके बाद से ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उनसे खफा है। उसके बाद खबर आई कि इस फिल्म में प्रियंका की जगह लेंगी दीपिका पादुकोण, लेकिन रितेश सिद्वानी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, इसमें दीपिका पादुकोण नहीं है। रितेश सिद्वानी ने कहा कि फिल्म की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, ये फिल्म बाकी की दो फिल्मों से काफी अलग होगी, फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी होगा। दोस्तों, देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग शाहरुख खान को बहुत पसंद आई है। अब फिल्म का बजट आप कितना भी रख ले, चाहे 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़, लेकिन जब तक फिल्म की कहानी अच्छी ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान की डॉन 3 भी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को भी छू पाएगी। दोस्तों, फिल्म कितना कलेक्शन करेगी कितना नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन शाहरुख खान की एक बात सामने आई है जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। शाहरुख खान ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैं फिल्में छोड़ दूं या फिल्में ना करूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल ये किस्सा शाहरुख खान और गौरी खान से जुड़ा हुआ है। अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शहंशाह बॉलीवुड में इसका जिक्र किया गया है। दरअसल शाहरुख खान और गौरी खान ये दोनों तब से एक साथ है जब से शाहरुख खान ने फिल्मों में काम करना शुरू भी नहीं किया था। इनका पूरा सपोर्ट गौरी खान ने किया, वो भी नौकरी करके। एक दौर था जब दर्शकों को कुंवारे रोमांटिक हीरो पसंद आया करते थे, और इसके चलते आमिर खान ने अपनी शादी 4 साल तक छुपाए रखी, लेकिन इसके उलट शाहरुख खान ने गौरी खान से सबको मिलवाया। उन्हें बहुत से लोगों ने एडवाइस दिया कि आप ऐसा ना करें, इससे आपके करियर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी फिल्में हिट हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि मैं गौरी खान को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, हाँ, लेकिन उनकी वजह से मैं फिल्में जरूर छोड़ सकता हूं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उनके लिए दीवाना हूं, मैं एक समय के लिए फिल्में छोड़ सकता हूं लेकिन गौरी खान को नहीं। दोस्तों, अगर बात करें कि ये दोनों मिले कहां पे, तो बात है ये 1984 की। ये दोनों एक स्कूल प्रोग्राम में मिले थे जहां गौरी खान किसी अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी। शाहरुख खान ने उन्हें वहां देखा और वहीं पे लट्टू हो गए, उनसे प्यार करने लगे। जैसे हम अक्सर स्कूल में किया करते थे कि अपने दोस्त को बोलते थे कि हाँ जा मेरी बात उससे कर, तो वही शाहरुख खान ने भी किया। शाहरुख खान ने अपने एक दोस्त को भेजा कि उससे बात करने के लिए, और मैं उनके साथ डांस करना चाहता हूं, लेकिन गौरी खान ने मना कर दिया ये कहकर कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूं। लेकिन दरअसल सच्चाई ये थी कि वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी। जब शाहरुख खान को ये बात पता चली तो शाहरुख खान ने कहा कि मैं उनका अब भाई बनना चाहूंगा। शाहरुख खान इतने पॉजिटिव थे गौरी खान के लिए कि गौरी खान अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती थी, और शाहरुख खान से छुटकारा पाने के लिए वो मुंबई आ गई। शाहरुख खान ने अपने प्यार की कहानी अपनी माँ को सुनाया। माँ ने फिर उन्हें 1,000 रुपये दिए और कहा, जा अपने प्यार को वापस लिया। जैसे DDLJ में कहा एक डायलॉग है ना कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा ही कुछ। दोस्तों, शाहरुख खान मुंबई पहुंच गए। उन्हें पता था कि गौरी खान को बीच बहुत पसंद है, वो बीच दर बीच भटकते रहे। आखिर उनकी मुलाकात हुई अक्सा बीच पर। जैसे ही गौरी खान ने शाहरुख खान को देखा,
वो रोने लगी और दौड़ के उनसे गले लिपट गई। वहीं गौरी खान ने डिसाइड किया कि मैं शाहरुख खान से शादी करूंगी। गौरी खान ने 5 साल तक अपने इस रिश्ते को अपने परिवार से छुपाए रखा, लेकिन जब डिसाइड किया कि अब हम दोनों शादी करेंगे, तब उन्होंने अपनी फैमिली से बात की, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया। इसलिए क्योंकि गौरी एक हिंदू परिवार से थी और शाहरुख खान एक मुस्लिम परिवार से थे। लेकिन एक कहावत है ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दोनों तैयार थे तो फैमिली भी आखिरकार मान ही गई। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। दोस्तों एक युग था खान्स युग, मतलब कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इनका युग चल रहा था। इन्हें हम त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं। ये ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे एक जमाने पे देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार का चला करता था। हालांकि ये स्टार्स यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान पुराने स्टार्स की तरह महान फिल्में तो नहीं दे पाए, लेकिन कुछ सफल फिल्मों से इनका दबदबा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छाया रहा। लेकिन 2018 ने इन्हें असफलता का मजा भी चखा दिया है। इनकी स्टारडम बस इतनी सी रह गई है कि ये अपनी फिल्मों को सिर्फ जोरदार ओपनिंग दे सकते हैं, लेकिन अपनी खराब फिल्मों को सुपरहिट अब नहीं बना सकते। तो दोस्तों तीनों खान्स की रिलीज हुई 5 फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाम लेते हैं शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान की फिल्म 2018 में जो आई थी ये जीरो फ्लॉप रही। उससे पहले हरी मेट सेजल फ्लॉप रही, रईस एवरेज रही, वहीं फैन फ्लॉप रही, दिलवाले एवरेज रही बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे। ये जितने भी मैंने बताई ये बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। शाहरुख खान की स्टारडम अब इतनी कम हो गई है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाती, जैसे कि हम बात करें फैन की, जीरो की या हैरी मेट सेजल की। ये तीनों फिल्में 100 करोड़ के नीचे ही रही। लोगों का मानना है कि शाहरुख खान तीनों खान्स में से सबसे कमजोर कड़ी हैं। वहीं बात करें अगर सलमान खान की और उनकी 5 फिल्मों की, तो रेस 3 बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, टाइगर जिंदा है ब्लॉकबस्टर, सुल्तान ब्लॉकबस्टर, वहीं ट्यूबलाइट फ्लॉप, प्रेम रतन धन पायो हिट। एक ऐसा दौर था जब कहा जाता था कि अगर सलमान खान फिल्म में सिर्फ 2.5 घंटे खड़े रहे ना तो उनकी फिल्में हिट रहेंगी। कहा तो यह भी जाता था कि अगर किसी फिल्म में तीनों खान सिर्फ जुड़ गए तो वो फिल्में सफलता की गारंटी कहलाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इनके बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा हुआ है। अब बात करते हैं तीनों खान्स में से सबसे मजबूत कड़ी की, यानी कि आमिर खान की 5 फिल्मों की। तो जैसा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, इससे पहले वो दंगल लेके आए थे ब्लॉकबस्टर, धूम 3 ब्लॉकबस्टर, वहीं तलाश फ्लॉप। दोस्तों आमिर खान को तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि वो फिल्में बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है कि उन्होंने ये 2 फिल्में क्यों साइन की, खराब फिल्में। क्या सिर्फ पैसों की वजह से? अरे हिट फिल्में तो दे ली और इतने सारे पैसे भी बना लिए, तो ये 2 फिल्में फ्लॉप क्यों? दोस्तों लोगों का बहुत सारा रिव्यू आया है और कमेंट आया है इस बात पे। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि खान्स युग खत्म हो गया है। हाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, लोग नए कलाकारों को देखना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तीनों मेरे फेवरेट हैं, चाहे इनकी कहानी अच्छी हो ना हो, लेकिन फिर भी हम फिल्में देखने जाते हैं। शायद इनका लाइमलाइट थोड़ा कम हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ न्यू और यंगस्टर स्टार्स की वजह से, जैसे कि वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, आयुष्मान खुराना और भी बहुत सारे नाम लिए। किसी ने ये कहा कि नए यंगस्टर की वजह से इन तीनों का करियर ढलान पे जा रहा है, क्योंकि नए यंगस्टर्स की कहानी बहुत अच्छी है और इनकी कहानी वही घिसी पीटी। किसी ने कहा कि इन तीनों का पत्ता कटने वाला है क्योंकि अब ये तीनों बूढ़े हो गए हैं। ये भी कहा कि अगर इन तीनों का खात्मा हुआ तो सबसे पहले शाहरुख खान जाएंगे, उसके बाद सलमान खान और फिर कहीं हमारे आमिर खान। दोस्तों मेरा मानना कि ये थोड़ी बहुत हम जल्दबाजी कर रहे हैं, माना कि 2018 उनके लिए खराब गया है।
हम एक और उन्हें चांस देते हैं 2019। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।